नमस्कार। तो आज आप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा हुआ नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आज एक अचानक से तेज़ी देखने को मिले बेल स्टॉक के अंदर। और मंथली चार्ट फ्रेम के ऊपर नज़र डाली जाए तो कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस लग सकता है अगला बेल के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। उसके पहले अपडेट की बात की जाए तो बेल क्लाइम्स हो 12% टू हिट हाईएस्ट लेवल इन नियरली 8 ईयर्स। तो पिछले 8 सालों के हाईर लेवल पे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम कर रहा हुआ नज़र आ चुका है बेल स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे देखोगे स्टॉक तकरीबन यहाँ पे मोमेंटम तो अच्छी नज़र आ रही है पिछले 3 महीनों में, और बाकी कोई खास अपडेट नहीं है। जहाँ पे देख सकते कि बेल को फिर से एक बार एक इलेक्ट्रिकल ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स बैग्स ऑर्डर टू सेट अब थर्मल पावर प्लांट इन छत्तीसगढ़ इंडिया। छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट बनाने के लिए और एक नया ऑर्डर आया, जिसमें देख सकते कि और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। मंथली की बात की जाए तो स्टॉक में यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लगने के चांसेस जो है 145-150 के करीबन, क्योंकि जो लोकल की लाइन है 200 मूविंग एवरेज उसी के करीबन है। तो मंथली में उस लेवल पे रेजिस्टेंस लगने के चांसेस है, उसके बाद 200 तक भी जा सकता है। वो लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक तो, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। काफ़ी बार स्टॉक ने उस लेवल पे रेजिस्टेंस भी सपोर्ट भी लिए थे, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मानी जाएगी यहाँ पे स्टॉक के लिए। तो रिसेंटली तो एक रैली बना के जा रहा है स्टॉक ऊपर की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेट होके नीचे आता है, सस्टेन होता है, तो निवेश करने के लिए एक चांस बन सकता है।